तो आ गए, तो आए गए, तो आज अपन किसके बारे में बात करने वाले, तो आज अपन बात करने वाले हिंदुस्तानी भाव के बारे में। भाव का रिसेंटली अभी अकाउंट डिलीट हो गया, मैं जब जिस टाइम पे वीडियो शूट कर रहा हूँ उससे 10 मिनट पहले अकाउंट डिलीट हुआ है और मुझे पूरी स्टोरी पता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाव का अकाउंट डिलीट क्यों होता है, तो भाव की और कुणाल कामरा की कॉल रिकॉर्डिंग सामने आती है, उसके बाद से भाव के अकाउंट में मास रिपोर्ट आना चालू हो जाती है और उसके बाद अकाउंट बैन हो जाता है। इंस्टाग्राम कह देता है कि कम्युनिटी गाइडलाइंस के अपोज में, तो वो अकाउंट बंद हो जाता है। तो अब देखते हैं कि ये क्यों हुआ। भाव क्या है, अगर भाव पहले जैसे कर रहे थे वीडियोस बना के छोड़ देना और गवर्नमेंट में उसको, गवर्नमेंट को या जुडिशरी सिस्टम है उसको हैंडल करने देना, लेकिन अब भाव ने वो नहीं किया। अब भाव आके सीधा हेट फैला रहे, भाव आए कह रहे हैं कि जो मिले उसको मारो, ये चीज गलत है। तुम किसी जुडिशरी सिस्टम से बढ़ के नहीं हो, मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा संविधान है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। ये हर एक देश के नागरिक को पता होना चाहिए, संविधान सबसे बड़ा है, उसके बाद सब कुछ है। तो अभी कुछ लोग आगे कहेंगे कि भाई तू तो फॉलो करता था ना, तू तो सब करता था उनकी आइडियोलॉजी को। भाई मैं कभी भी उनकी आइडियोलॉजी को नहीं मानता था, मैं सिर्फ एज अ पर्सन उनको पसंद करता था। और रही बात अब क्यों अनफॉलो किया, क्योंकि ब्रो तब वो किसी को हेट नहीं कर रहे थे, किसी को ये नहीं कह रहे थे कि तुम जाके जो कॉमेडियंस है उनको मारो, तुम्हारे हाथ में कानून नहीं है, वो जुडिशरी सिस्टम करेगी जो उनको करना है, जैसी सजा वो देना चाहे, तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये चीज मुझे बेकार लगी और मैंने अनफॉलो कर दिया। तो अब बात ये है कि ये जो एक्शन हुआ वो सही था या नहीं था, एब्सोल्युटली ये सही था, क्योंकि तुम हेट फैला रहे हो। अब क्यों फैलानी हेट जब नेक्स्ट फैला सकते हो, सॉरी क्यों फैलानी आपको हेट। और अगर कुछ गलत लगता है तो उसको रिपोर्ट कर दो, या फिर उसको उसकी कंप्लेंट फायर कर दो, या फिर उसके खिलाफ जैसे पहले आप वीडियोस बना रहे हो वो कर लो। लेकिन आप वीडियोस में आप हेट फैला रहे हो। शुभम मिश्रा जिसने एक लड़की को रेप थ्रेट दिया था, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, ये चीज गलत है भाव की, ये चीज गलत है। इस चीज के बाद मैंने उनको अनफॉलो किया। और ये वीडियो भी मैं तभी बना रहा हूं जब लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि ओपिनियन क्या है, आपका ओपिनियन। तो मेरा ये ओपिनियन है कि जो भी हो रहा सही हो रहा है, क्योंकि एज अ मैं देखता हूँ कि भाव ने ये सब क्यों किया, क्योंकि भाव ने ये किया उनको लग रहा था कि हिंदू धर्म की मतलब बदनामी हो रही है इस चीज से। हर धर्म यही सिखाता है, कुरान बाइबल गीता सब यही सिखाते हैं। तो बात ये, तुम जब उस चीज को पढ़ने के बाद, उन सब चीजों को देखने के बाद तुम ये कहते हो कि उसको मारो, ये चीज गलत है ना, गलत ये चीज है। जब तुमने उस चीजों को पढ़ा है गीता में बाइबल में कुरान में, और फिर तुम ये चीज करते हो, ये चीज गलत है। तो बात ये, जैसे उस लड़की ने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम उसने नहीं सही से लिया, आपने उसको रेप थ्रेट देना, मतलब जो शुभम मिश्रा ने उसको रेप थ्रेट देना चालू कर दिया और आपने उसका सपोर्ट किया कि इसने ये सही किया, ये कहां का है। सबसे मेन बात ये, एक तरफ आप लड़की की, आपने खुद ने अपनी वीडियो में कहा कि मैंने उस बहन की रक्षा की और उसके साथ जो भी गलत चीजें हो रही थी उसको रोका, और एक तरफ आपके आप दूसरी लड़की के साथ जो ये हो रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हो, ये चीज गलत है, हिपोक्रेसी है ये एक तरह से। और आज पहली बार मैं कुणाल कामरा की किसी बात से एग्री हुआ कि अगर धर्म के बारे में बात ही नहीं की जाएगी तो धर्म आगे कैसे बढ़ेगा। आप कह रहे हो कि धर्म के बारे में बोलो ही मत, बोले या नहीं बोले क्या करना है भाऊ, क्या करना है। तो बात ये, और मेरी ये वीडियो कई सारों को ऑफेंसिव लग सकती है, अभी कुछ भाव के फैंस भी आ जाएंगे और गालियां लिखना चालू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक सही तरीके से देखो इस वीडियो को, मैं किसी को भी गलत नहीं ठहरा रहा हूं, मैं जो गलत है उसको गलत ठहरा रहा हूं। मैं आज भी हिंदुस्तानी भाव को पसंद, एज एन पर्सन मुझे वो आज भी पसंद है, और मैं कभी नहीं, मतलब उनकी पर्सनैलिटी मुझे अच्छी लगती है, कॉन्टेंट कभी अच्छा नहीं लगा। मैं वीडियोज में यूज करता हूँ वो सिर्फ एक मीम टेम्पलेट है, तो उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो बस मेरा यही थॉट है कि अगर ऐसा हुआ है तो ये सही तरीके से हुआ, अगर आप हेट नहीं फैलाते तो ये सब चीजें नहीं होती। आप संविधान से बढ़कर नहीं हो, जुडिशरी सिस्टम से बढ़कर नहीं हो, आप सिर्फ एक इंस्टाग्राम के छोटे से इन्फ्लुएंसर हो। प्लीज ये चीज ध्यान रखो, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है इंडिया में। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, वीडियो को शेयर जरूर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।